नमस्कार दोस्तों, हमारा बोधगया का जो टूर प्रोग्राम है वो पूरा हो चुका है और हम अपनी कार से बाय रोड राजगीर जा रहे हैं। तो आप लोगों को राजगीर जाने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वया वजीरगंज हिसुआ होकर और दूसरा बिंडस नवादा रोड होकर जो गहलोर और जीतिया होकर जाता है। तो दोनों का रास्ता मोर और लेस 70 से 72 किलोमीटर पड़ता है और हमने दूसरा जो रास्ता जो गहलोर होकर जाता है उस रास्ते को चुना। तो आप देख रहे हैं इस पथरीले रास्ते पर आपको दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे और इस रास्ते में आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट को कहते हैं दशरथ माझी पास थ्रू, जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 22 साल अकेले सिर्फ छेनी और हथौड़ी से 360 फुट बाय 30 बाय 35 का पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया, इसलिए हम इसे माउंटेन मैन भी कहते हैं। इस पर एक बॉलीवुड की भी फिल्म बनी जिस पर नवाजुद्दीन ने इस पर काम किया था। इस पॉइंट पर जो हम पहुंच रहे हैं इसे कहते हैं राजगीर तपोवन हिल व्यू पॉइंट। तो काफ़ी ये छोटा सा एक हिल स्टेशन जैसे रोड आपको नज़र आ रहा है और लगभग शाम का वक्त हो चुका है। और आप देख रहे हैं इन्हीं बड़े बड़े चट्टान के पहाड़ों को दशरथ माझी ने अपने 22 साल की कड़ी मेहनत से एक रास्ता बनाया था। चलिए लगभग हम राजगीर अब पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों इस रास्ते अगर अब आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बजाय आप हिसुआ होकर आए वो बहुत ही ट्रैफिक वाला रास्ता है। अगले पड़ाव राजगीर, ये देखिए राजगीर का प्रवेश द्वार जो कि बिंबिसर द्वार फेमस है। और ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी 6.7 किलोमीटर आए। तो शाम का वक्त है, हम बोध गया से राजगीर की तरफ आए हैं और ये डिस्टेंस 70 किलोमीटर जो कि हमें 2 घंटे लगा। और अब यहाँ से मात्र राजगीर सिर्फ 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए रात हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस राजगीर सीरीज को आप पूरा देखिएगा जिस पर मैंने डिटेल्स में पूरे राजगीर पर वीडियो बनाया है। आप लोगों को पूरी जानकारी मेरे इस सीरीज़ में मिलेगी। तो दोस्तों होटल में पहुंचकर मैं आपको होटल के डिटेल्स भी बताता हूं। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में इंतज़ार करिएगा, तब तक दोस्तों गुड बाय। तो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी राजगीर पर आ चुके हैं और हमने अपना ये होटल ले लिया है। होटल का नाम मैं आपको बताता हूँ, होटल आनंद लोक। ये जस्ट बिल्कुल बस स्टैंड के पास में है। अच्छा, खूबसूरत, काफ़ी साफ सुथरा ये रूम है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि ये होटल आप चॉइस करें। इनके 3 फ्लोर हैं और मैं आपको रूम के अंदर से भी दिखा दूं। ये रहा रूम, छोटा सा लेकिन प्यारा सा रूम है, एक कपल के लिए दो आदमी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी हम अभी पहुंचे हैं तो अपना सामान पैकिंग अनपैक करते और फ्रेश होकर खाने पे मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये रहा हमारे होटल आनंद लोक का ये रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, देखिए फैमिली रेस्टोरेंट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। अब आके इस होटल में रहिए और रेस्टोरेंट का ये आनंद लीजिए। फैमिली रेस्टोरेंट है, नीट एंड टी क्लीन और सर्विस भी बहुत अच्छी है, प्रॉम्प्ट सर्विस इसकी है, खाना भी काफ़ी उत्तम। चलिए दोस्तों हम अपने होटल में एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी एंजॉय कर रहे हैं। तो राजगीर में रहते हुए देखिए हमारे होटल में ही एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक आइए हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये मौके हमें कभी कभी मिलते हैं, ये हम जब सफर में निकलते हैं और ये किसी का सेलिब्रेशन होता है तो हमें खुशी होती है। और ये देखिए फैमिली रेस्टोरेंट,
में लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। नहीं बाद में मत लगाइएगा, हम लगा दे रहे हैं, सबको मत लगाइए। तो हाय बोलिए हमारे चैनल को। ये भी एक अच्छा मौका रहा हमारे लिए, हमारे टूर का ये आनंद ही अलग है कि हमें भी ये खाने का मौका मिला है। आप तो चार चांद लगा दिए। ये देखिए राजगीर का ये बस स्टैंड है। देखिए सुबह सुबह धुंध छाई हुई है, फॉगी वेदर है, आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली राजगीर एक पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के छत से, आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए बस स्टैंड और हमारी कार नीचे लगी हुई है जो हमने वहां पार्क की थी रात को। ये जो बस स्टैंड है यहाँ से तकरीबन सारी बिहार की बसें यहाँ दिन रात चलती रहती हैं। तो आज हम निकलेंगे राजगीर के लोकल साइट सीइंग में और एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर।